Hello everyone, I'm Aastha, assistant professor from Indraprastha Law College, and this is our video on jurisprudence 2 for BLLB 6th semester, and the topic covered under this video is ownership. So in previous video we had discussed the topic of possession, and now we'll discuss the topic of ownership. So basically possession is ki jab kisi cheez ka physical control ho aapke upar, so that is called possession. Now ownership and possession both are different things. What is ownership? That we will discuss. Ownership refers to the relation that a person has with an object that he owns. कि मतलब किसी भी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ का रिलेशन उस पर्सन का उस प्रॉपर्टी के साथ क्या है, उस चीज़ के साथ क्या है. बेसिकली आप कह सकते हो मालिकाना हक जो होता है उसको आप ownership बोलते हो. It is an aggregate of all the rights that he has with regard to the said object. These rights are right in rem. That is, they can be enforced against the whole world and not just any specific person. मतलब अगर आपके पास, आप किसी प्रॉपर्टी के, आप किसी चीज़ के ओनर हो, तो यू विल बी कॉल्ड एज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, और आप उस राइट को पूरे वर्ल्ड में किसी के भी अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हो. मतलब कोई भी वर्ल्ड में आ जाए, बट इफ़ यू हैव ओनरशिप ऑफ दैट थिंग, तो कोई भी वो आपसे क्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज यू हैव दैट राइट ऑफ ओनरशिप. The concept of ownership flows from that of possession. In the primitive societies, there was no idea of ownership. तो basically पहले की societies में क्या होता था, जिसके पास physical possession होता था उसी को मालिक भी माना जाता था. तो ऐसे ownership जैसा कोई concept नहीं होता था, पहले सिर्फ possession वाला concept होता था. The only concept identified with was that of possession. It was only after they started settling down by building homes and cultivating land that they developed the idea of ownership. तो basically earlier there was an idea of possessionship only, ownership का कोई idea नहीं था. So according to Austin, ownership refers to a right indefinite in point of user, unrestricted in point of disposition and unlimited in point of duration. So basically ऐसा कोई भी right जिसके ऊपर किसी user का indefinite right होता है और अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो उस चीज़ को यूज़ करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ राइट ऑफ ओनरशिप. नाउ नेक्स्ट इज एसेंशियल्स ऑफ ओनरशिप, कि ओनरशिप होने के लिए आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए. फर्स्ट इज इनडेफिनिट पॉइंट ऑफ यूजर. द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी हैज़ द लिबर्टी टू यूज़ इट, अदर्स हैव द ड्यूटी टू नॉट टू यूज़ इट और नॉट टू इंटरफेयर विद द ओनर्स राइट टू यूज़ इट. बेसिकली जो ओनर होता है प्रॉपर्टी का, उसके पास राइट होता है, उसके पास लिबर्टी होती है कि वो कितने भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक किसी भी तरीके से अपनी ओन पोजेशन, अपनी ओन प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता है, और किसी और पर्सन के राइट नहीं होते कि वो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करे या उसमें इंटरफेयर करे. नेक्स्ट इज अनरिस्ट्रिक्टेड पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन. सो द ओनर हैज़ द राइट टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी एट हिज ओन विल. अब इट्स अप टू ओनरशिप, ये ओनर के ऊपर होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को कैसे डिस्पोज ऑफ करे, किसी को ट्रांसफ़र करे, कैसे उसको यूज़ करना. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ओनर. अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आई गिव यू, लाइक अगर यहाँ पे कोई लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप है, तो इट्स अप टू लैंडलॉर्ड, किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो उसके ऊपर है कि वो उस प्रॉपर्टी को रेंट के लिए देना चाहता है या नहीं देना चाहता है, या बेसमेंट में लाना चाहता है, कोई गोडाउन के लिए यूज़ करना चाहता है, या अपने खुद के होम के लिए यूज़ करना. दैट इज़ ऑल अप टू ओनर. तो उसी के पास राइट होता है कि वो प्रॉपर्टी को कैसे डिस्पोज ऑफ करेगा. अ पर्सन नीड टू हैव द ओनरशिप ऑफ अ थिंग इन ऑर्डर टू ट्रांसफर दैट ओनरशिप टू समवन एल्स. एंड जो ओनरशिप का राइट होता है वो सिर्फ ओनर ही एक दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है. अपार्ट फ्रॉम ओनर नो वन एल्स कैन ट्रांसफर द राइट ऑफ ओनरशिप टू अदर पर्सन. मियर पोजेशन डज नॉट गिव द पावर टू डिस्पोज ऑफ द ओनरशिप. मतलब अगर आपके पास किसी चीज़ का सिर्फ फिजिकल पोजेशन है, सिर्फ फिजिकल कंट्रोल है, लेकिन ओनरशिप नहीं है, तो सिर्फ फिजिकल कंट्रोल होने से आप उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं बन जाते हो. नेक्स्ट इज राइट टू पोजेस. द ओनर हैज़ द राइट टू पोजेस द थिंग विच ही ओन्स. मतलब उसके पास अगर कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी का ओनर है, तो उसको उस प्रॉपर्टी को फिजिकली कंट्रोल ओवर करने का भी राइट है. नेक्स्ट इज राइट टू एग्जॉस्ट. इफ द नेचर ऑफ द थिंग विच इज़ ओन इज सच दैट इट कैन बी एग्जॉस्टेड, देन द ओनर हैज़ द राइट टू एग्जॉस्ट इट एट हिज ओन विल. मतलब अगर ऐसी कोई चीज़ है जो ओनर को लगता है कि फॉर लंबे टाइम तक वो नहीं उसको रख सकता बिकॉज वो एग्जॉस्ट हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, तो उस चीज़ में वो क्या करता है, वो उन चीज़ों को यूज़ कर सकता है एज़ पर हिज ओन विल विद इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, कि जब तक वो ख़त्म हो उससे पहले ही वो उनको यूज़ कर सके. रेजिडेंट करेक्टर. The owner may part with several rights with regards to the things he owns. This does not take away the ownership from him.
अब क्या होता है, ओनर के पास किसी भी प्रॉपर्टी के कुछ राइट्स हैं, तो उसकी वजह से उसके कुछ राइट्स, मतलब इट इज सेइंग, मतलब अगर ओनर के पास कुछ सेपरेट राइट्स हैं ओनरशिप के अलावा भी, तो उन सेपरेट राइट्स को अगर वो फॉलो करता है तो इसकी वजह से उसके ओनरशिप के राइट वो लूज़ नहीं करता है। नेक्स्ट इज राइट टू डिस्ट्रॉय और एलिनेट। द ओनर हैज़ द राइट टू डिस्ट्रॉय और एलिनेट द राइट थिंग दैट ही ओन्स। मतलब ओनर के पास फुल राइट है कि जिस भी चीज़ का ओनरशिप उसके पास है उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे डिस्ट्रॉय करना है, कैसे एलिनेट करना है, दैट इज़ ऑल अप टू हिम। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ ओनर। कॉर्पोरल ओनरशिप, इनकॉर्पोरल ओनरशिप, सोल ओनरशिप, को ओनरशिप, लीगल ओनरशिप, इक्विटेबल ओनरशिप, ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप, वेस्टेड ओनरशिप, कंटिंजेंट ओनरशिप, एब्सोल्यूट ओनरशिप, लिमिटेड ओनरशिप। सो वील डिस्कस दीज काइंड्स ऑफ ओनरशिप वन बाय वन। ओनरशिप ऑफ, मतलब अगर आपके पास कोई टेंजिबल चीज है, कोई मटीरियलिस्टिक चीज है जिसका कोई वैल्यू है, उसका ओनरशिप को प्रॉपर्टी है उसकी इम्पोर्टेंट ओनरशिप क्या होता है। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड ओनरशिप। सो एब्सोल्यूट ओनरशिप इज वन वेयर इन द ओनर इज वेस्टेड विद ऑल राइट्स विद रिगार्ड टू द प्रॉपर्टी विच ही ओन्स। अगर किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है, वो उसका ओनर है, उस प्रॉपर्टी के से रिलेटेड सारे राइट्स अगर उसके पास है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ओनरशिप एंड सच राइट्स आर एक्सक्लूसिवली वेस्टेड इन द ओनर। इट मस्ट बी नोटेड दैट देयर हेयर दैट एब्सोल्यूट यूज ऑफ प्रॉपर्टी इम्प्लाइज जनरल यूज। सो बेसिकली जब किसी भी प्रॉपर्टी का कोई ओनर है और उसी के पास उस प्रॉपर्टी के सारे राइट्स हैं, मतलब उस प्रॉपर्टी से जितने भी राइट्स निकलते हैं वो उस ओनर के पास वो सब राइट है, दैट आर कॉल्ड एब्सोल्यूट ओनरशिप। एंड लिमिटेड ओनरशिप इज व्हेन देयर आर लिमिटेशंस इम्पोज्ड अपॉन द ओनर्स राइट। कि जब ओनर के ऊपर ही जिसकी खुद की प्रॉपर्टी है उसी के ऊपर कुछ राइट्स इम्पोज हो रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड अ लिमिटेड ओनरशिप। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ टेनेंसी अंडर इंग्लिश लॉ इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड ओनरशिप। एंड हिंदू लॉ टू रिकोगनाइज लिमिटेड ओनरशिप। लाइक फॉर एग्जाम्पल वेन अ हिंदू विडो इज मेड द ओनर ऑफ हर हजबेंड्स प्रॉपर्टी एज लॉन्ग एज
शी रिमेन्स अलाइव आफ्टर विच द प्रॉपर्टी शेल पास ऑन टू द लीगल हायर्स द ओनरशिप ऑफ द विडो इज लिमिटेड ओनरशिप। मतलब अगर किसी पर्सन की कोई विडो है वो उस प्रॉपर्टी की तब तक ओनर रहती है जब तक शी इज अलाइव एंड आफ्टर हर डेथ प्रॉपर्टी पासिस ऑन टू हर लीगल हायर। सो दिस इज कॉल्ड अ लिमिटेड ओनरशिप। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ओनरशिप एंड पोजेशन। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन पोजेशन एंड ओनरशिप इज दैट पोजेशन इज रिक्वायरिंग अ फिजिकल कस्टडी। एज आई टोल्ड यू कि फिजिकल पोजेशन जब किसी मटेरियल थिंग का होता है आपके पास या किसी मटेरियल थिंग का होता है दैट इज कॉल्ड पोजेशन। वेयर एज ओनरशिप इज द राइट थ्रू विच समथिंग गोज टू समवन। मतलब जब आपके पास कोई राइट होता है कि हाँ ये मालिकाना हक इस प्रॉपर्टी में मेरा है, आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, सो दैट इज कॉल्ड ओनरशिप। सो ओनरशिप इज द राइट विच ग्रांट्स अ थिंग्स और ऑब्जेक्ट टू अ पर्सन इन अ मैनर दैट द थिंग बिलोंग्स टू द पर्सन। बेसिकली अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देर इज वन पर्सन, ही हैज हिज ओन हाउस, तो वो हाउस के जो लीगल पेपर्स हैं वो उस पर्सन के नाम पे, दैट ही विल बी कॉल्ड एज अ ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। बट अगर वो अपने उस हाउस को खुद यूज ना करके रेंट पे दे देता है तो टेनेंट विल बी कॉल्ड एज अ पोजेसर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो ओनर यहाँ पे अलग है, पोजेसर अलग है। तो पोजेसर इज इज अ टेनेंट हु इज ऑक्यूपाइंग दैट प्रॉपर्टी फिजिकली एंड ओनर इज जिसके पास वो लीगल प्रॉपर्टी के थ्रू वो प्रॉपर्टी है। एंड देयर कुड बी अनदर सिचुएशन ऑल्सो जिसमें कि ओनर और पोजेसर दोनों एक हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी की प्रॉपर्टी है वो उस प्रॉपर्टी को रेंट पे ना देके खुद यूज कर रहा है, खुद कंज्यूम कर रहा है, खुद ऑक्यूपाई कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, खुद फिजिकल कंट्रोल कर रहा है उस प्रॉपर्टी का, देन इन दैट केस दैट इज अ सिचुएशन जहाँ पे पोजेसर और ओनर दोनों एक ही पर्सन।